देश में कोरोना वायरस के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सभी राज्यों में कोरोना के केस मिले हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां अभी तक कोरोना वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया है, जहां एक दिन में 35,000 से भी अधिक केस देश में आ रहे हैं। इसी बीच भारत का यह स्थान कोरोना मुक्त है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भट्ट स्वागत करता हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल नॉलेज हिंदी में। इस वीडियो में हम देश की एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जहां अभी तक एक भी कोरोना का केस नहीं है, साथ ही इसकी क्या वजह रही है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। देश में जिस जगह पर कोरोना का अभी तक एक भी केस नहीं है वो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। यहाँ पर आज तक एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है, जबकि 10 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 65,000 तक है। यहाँ पर कोरोना का एक भी केस ना होने का कारण है लक्षद्वीप प्रशासन के द्वारा उठाए गए कठोर कदम और यहाँ के लोगों की अच्छी किस्मत। मछली और नारियल को छोड़कर लक्षद्वीप में जरूरी सामान, स्वास्थ्य सेवाएं सभी केरल से पूरी होती हैं। लक्षद्वीप में आने वाली सभी नौकाएं और उड़ानें कोची से होती हैं। लक्षद्वीप प्रशासन ने कोची से आने वाले लोगों की अच्छी तरह से चेकिंग की और उन पर नजर रखी। जो भी यात्री बाहर से आता था तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती थी। यह सब फरवरी से शुरू हो गया था। दूसरी जगह से लक्षद्वीप में 3500 प्रवासी भी आए, लेकिन इनमें से भी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला और यही इन लोगों की अच्छी किस्मत का नतीजा था। लक्षद्वीप प्रशासन ने क्वारंटाइन का समय अधिक रखा, बिना मास्क के घर से निकलने पर रोक लगाई, बहुत सी पाबंदियां भी लगाई, लक्षण दिखने वाले व्यक्ति की टेस्टिंग जैसे कदम उठाए। इस द्वीप पर बहुत से लोगों को तो कोरोना वायरस कितना खतरनाक है यह भी पता नहीं, जिस कारण नियमों की अनदेखी यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी किस्मत अच्छी है जो कोरोना वायरस यहाँ तक नहीं पहुँचा। साथ ही प्रशासन के द्वारा अपनाई गई सतर्कता भी इस जगह को कोरोना मुक्त करने की वजह बनी। इस संबंध में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।